ओडिशा ट्रेन हादसे में 280 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन एक सवाल सभी लोगों के मन में उठ रहा है, जो इन भयानक हादसे की शिकार ट्रेन को चला रहे ड्राइवर्स थे, उनका क्या हुआ? जहां इतने लोगों की जिंदगियां इस भयानक हादसे की भेंट चढ़ गई, उन ट्रेनों को चलाने वाले ड्राइवर्स की क्या हालत हुई, आइए आपको बताते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट और उनके सहायक के साथ साथ गार्ड भी घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधन राजेश कुमार ने कहा कि ट्रेन के लोको पायलट और उनके सहायक के साथ साथ गार्ड का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट के साथ साथ गार्ड भी घायल हो गए। तीनों को भी एक अलग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं बताया गया कि मालगाड़ी के इंजन चालक यानी कि ड्राइवर और मालगाड़ी के गार्ड बाल बाल बच गए। कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट और उनके सहायक के साथ साथ गार्ड और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के गार्ड घायल की लिस्ट में शामिल हैं। उड़ीसा में शुक्रवार को हुई दो ट्रेनों और एक मालगाड़ी की टक्कर में लगभग 280 लोग मारे गए। सिर्फ 4 मिनट के अंदर ही सब कुछ तबाह हो गया। शुक्रवार की शाम कोरोमंडल एक्सप्रेस को बहानागा बाजार स्टेशन से गुजरना चाहिए था। इसके बाईं ओर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी रहती, लेकिन पटरियां बदलने वाले रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी थी। नतीजा कोरोमंडल एक्सप्रेस इंटरचेंज से दूसरे ट्रैक पर नहीं गई, लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से स्पीड में जाकर टकराई। कोरोमंडल का एक कोच दाहिनी ओर गिरा उस पटरी पर, जिससे बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजर रही थी। हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को यहां से करीब 2.5 घंटे पहले ही निकल जाना चाहिए था, मगर वो लेट चल रही थी। अगर वो चंद सेकंड पहले भी निकल जाती तो कई जिंदगियां बच सकती थीं। अगर कुछ सेकंड और लेट होती तो मौत का आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।